रियाल बजाने के पास सुंदर पुजारी मोहनदास जी आइए।
हेलो सुंदर सर जी, मैंने रात को आपके चरणों में निवेदन किया था, आज 10 से 12 हमने ब्लड कैंप लगा रखा है जो सुंदर सर उसमें टेस्ट कराना चाहे शुगर कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स पर एक टेस्ट कोई भी आप फ्री करा सकते हैं। जनरल हेल्थ चेकअप, ब्लड प्रेशर, हाई वेट, बीएमआई भी फ्री हो रहा है और कुछ टेस्ट बड़े नॉमिनल चार्जेस पर हो रहे हैं। एग्रीस डायग्नोस्टिक पूर्व में ऐसा डायग्नोस्टिक नाम अपने जवाहर मंदिर की दुकानों में दे रखी है कि उनकी तरफ से हो रहा है कार्यक्रम जो भी सुंदर साल नाम लेना चाहे। अभी 10 से 12 का समय था, अभी हो रहा है जो भी सुंदर साल करवाना चाहे करवा सकते। महाराष्ट्र जी लगने के पश्चात में ऐसे प्रस्थान करेंगे जो भी आशीर्वाद देना चाहते हैं महाराज जी से आए आप, उसके बाद आशीर्वाद दें महाराज जी। ये नमरों के वसे जा रहा
Thank you.
श्री आनंद मंगल श्री धाम हरि जो की जय श्री भाई जो राज जो की जय श्री महाराजा प्रसाद जो की जय श्री सुंदर साहब जो की जय श्री सुंदर साहब जावर जी साहेब जी के चरणारविंद में स्थित दीजिए कृपा कीजिए गोरे श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ा ही सौभाग्य का विषय है हमारे बीच में हमारा मंदिर श्री प्राणनाथ मंदिर से उनके अध्यक्ष उनके ट्रस्टी गंभीर हमारे बीच में पधारे हैं। मैं हरिदास ट्रस्ट की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आप राजेश जी आइए, आप महाराज जी का स्वागत कीजिए और महाराज जी से आशीर्वाद दीजिए। बोलो श्री महाराज।
भाई साहब मदन मोहन सिंधिया जी से निवेदन करूंगा, आप भी हैं, आप भी माशा जी आशीर्वाद लें। आप ये जो बिल्डिंग बन रही है पूरा निर्देशन आपका ही है, आपके ही निर्देशन में सारा कार्य हो रहा है। आप महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। समय समय पर हमें जब भी आपकी आवश्यकता होती है आप हमेशा हमें सहयोग करते हैं। हाँ, ये सभी जगह आपकी सेवा देते हैं। मेरा फर्ज इसलिए यहाँ मुझको कहना बनता है कि यहाँ जब भी अन्य ट्रस्टीगण भी आप आधारे महाराज जी से आशीर्वाद लीजिए। मनमोहन जी खुराना और वर्मा जी का पूरा नाम मुझे अभी एकदम मुकेश वर्मा जी प्लीज मनमोहन जी श्री गिटारी लाल जी कलेजा, आप भी हरिदास ट्रस्ट के सदस्य हैं, सौभाग्य से इस वर्ष आपका भी आना पधारना हुआ, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो प्यारे की जय। सुंदर साहब जी, इस महायज्ञ में जिनमें सुंदर साहब ने पारायण रखवाकर अपना सेवा दी है उनको प्रसादी बाहर हमारे कार्यालय में अशोक जी कलेजा उपलब्ध है, आप अपनी प्रसादी वहां से ले सकते हैं। पुनः मैं श्री 108 पूज्य श्री महाराज वेदराज जी का हृदय से आभारी हूँ, आपने इतने व्यस्ततम कार्यक्रमों में से हमारे लिए समय निकालकर सुंदर साथ को कृतार्थ किया, आपने आशीर्वाद दिया और भविष्य में आशा करता हूँ आपका आशीर्वाद इसी प्रकार जवाहरनगर मंदिर जयपुर सुंदर साथ पे बना रहे। सुंदर साहब जी, ये अपने समय में से नहीं, समय सब सुंदर साथ का ही है। सुंदर साथ ने, साम्राज्य ने, गुरुजनों ने, समाज ने इसी काम के लिए हमें लगाया है, तो यहाँ कोई किसी पर एहसान करने वाली बात हमारे ऊपर नहीं है, ये हमारा ही कार्य है, हमें सब जगह ही पहुँचना भी है। आप सब ने प्रेम और सद्भाव से हमें स्वीकारा, हमारी खोटी खरी भी स्वीकार ली है ना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलजुल करके समाज की सेवा में, सामाजिक क्षेत्र में, धर्म के कार्यों में आगे बढ़ते चलेंगे और एक उदाहरण बन करके जयपुर सुंदर साथ आगे चलेगा, हमें आशा नहीं पूर्ण तो विश्वास है। अभी श्री कृष्ण मंदिर अम्बाला का वार्षिक उत्सव चुनौती है, आसाम को शोभा यात्रा है, या तो 4 बजे शायद वो हमारे पहुंचने का इंतजार कर रहे होंगे, अम्बाला पहुंचना है मुझे, आप इजाजत देंगे। सबको विशेष विशेष शुभकामना, परम हंस बाबा दयानंद साहब जी का भरपूर आशीर्वाद हम आप सभी अनुभव करते रहे, राज्य की मेहरबानी हमारे ऊपर हमेशा सदैव रहे, इन शब्दों के साथ सबको प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री निजानंद स्वामी की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, कृष्ण प्रणामी धर्म की, पराजय सर जी की, बाबा जयराम साहब जी की, महाराज हरिदास साहब जी की, महाराज रामचंद्र साहब जी की, तीनोपुरी धाम की, सबको प्रणाम प्रणाम बाबू प्रणाम। वैसे तो भजन का आनंद लेता मैं भी, मुझे सुनना अच्छा लगता है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास फरमाइश आई है कि राजेश जी हमारे बीच में पधारे तो उनका भाव जरूर होना चाहिए। आप प्राणनाथ मंदिर के ट्रस्टी सभी भोजन प्रसादी लेके जाएंगे, ऐसा मेरा आपके चरणों में निवेदन है, और राजेश जी का भाव भी होगा और बाकी भी जो जो सुंदर साहब अपना अपना भाव रखना चाहें उनको भी टाइम मिलेगा। महाराज श्री जी यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, तो आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, जो उन्होंने महाराज श्री जी चाहिए बात ले रही है। भाई लोग और बहनों लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए पीछे, ताकि लोगों को बैठने का स्थान मिल सके। भजन के कार्यक्रम शुरू होने से पहले रात को अभी मेरे को एक बहन को समय देना था, मैं देरी हुआ था, अभी मैं भजन से पहले उन्हीं को समय दूंगा।
श्रीमती अंशु ध्रुविया, आप मेरी आवाज सुन रही हो तो आप आ जाइए आगे। आप जितना कम से कम समय लें, आप बस हमें थोड़ी शॉर्ट करें। धन्यवाद। दो मिनट ये प्रधान जी को जो अपना सूचना करें, उसके बाद अंशु जी बोलिए आपके बारे में। सुंदर साहब जी अपना स्थान लें। प्रार्थना प्यारे की, सुंदर साहब जी प्रार्थना प्यारे की, प्रार्थना प्यारे की। परम श्रद्धा आदरणीय सुंदर साहब जी, 27 तारीख को पृथ्वी परिक्रमा का कार्यक्रम है, जो सुबह 6:30 बजे मंदिर से हम रवाना होंगे। उसके बाद प्राणनाथ मंदिर, जहानगर मंदिर, देवी मंदिर होते हुए हम वापस बड़े मंदिर को पहुंचे हैं 27 तारीख सुबह 6:30 बजे। सुंदर साहब जी, हमारे बीच में पुजारी मोहन दास जी, आपने 15 वर्षों तक बड़े मंदिर में पुजारी के रूप में आपने जयपुर सुंदर साहब की सेवा की है। आप किसी विशेष लक्ष्य के लिए आप आज जयपुर पधारे हुए हैं। आपके सपुत्र का विवाह है, जो भी सुंदर साहब आपको जो सहयोग देना चाहे, जो राशि देना चाहे, आप हमारे पुजारी जी महाराज को दे सकते हैं। आपके सपुत्र ने 6 वर्षों तक करनाल में रहकर करनाल धाम की पुजारी जी का आप प्रणाम भी स्वीकार करें और पुजारी जी मोहित आपके बाद। गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साहब जी, ये अभी महाराज जी ने सेवा की बात में सुनाई है, इसके बीच में ही हम भी सेवा देने दिन बजाय सेवा लेंगे। कुछ आप लोग के सामने ये मेरा मैं सोचता हूँ, मेरा सिद्धाधिकार है जयपुर के सुंदर साथ, मेरे मैं जयपुर के सुंदर साथ का हूँ, क्योंकि 15 वर्ष आप लोग के यहाँ हमने सेवा की है, तो ये परंपरा भी है। मैं ये मानता हूँ कि सभी को मैं सर्वप्रथम कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। तो आप लोग व्यक्ति व्यक्ति सेवा न करके समूह में, एक समूह में जमा करके, मैं तो बोलता हूँ प्रणाम पंचायत को जमा कर दीजिए, या तो हमारे यहाँ महिला मंडल प्रमुख सखी को जमा कर दीजिए, फिर एक नाम भी रहेगा आप लोग का, क्योंकि एक मुष्ट का बल ज्यादा होता है, नाम भी होता है। तो इसी प्रकार से हमारे माननीय प्रधान जी को भी मैंने कहा है कि एक एक हमें देने के बजाय ये समूह में जमा करके आप लोग देंगे, दिलाएंगे, तो आप लोग की शोभा बड़ी होगी। हम वो जब जिस दिन शादी करेंगे, अभी 2080 का साल चल रहा है, 0 वर्ष है, तो अप्रैल के बाद 81 शुरू होएगा, तो उस टाइम में उसकी शादी करनी है, विचार किया है, नक्की भी हो गई है। तो कोई सुंदर साथ ने बोला आपका सगाई तो हुई नहीं, कैसे शादी करा रहे हो, तो उनको क्या शक हुआ पता नहीं, जो कुछ भी हो हम करेंगे, जो भी आगे पीछे विलम्ब हो जाए तो सुंदर साथ की सेवा उसके खाते में जमा करा देंगे, हम उसमें थोड़ा और डाल के जमा करा देंगे, हम अपने खर्च नहीं करेंगे। यही मेरा आप डायरेक्ट दें या पुजारी जी को दें, पहुंचेंगे पुजारी जी तक ही, कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भेजें, कोई मतलब पुजारी जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। 11,000 रुपए, क्योंकि आपने 15 वर्षों तक आपने मंदिर में पुजारी के रूप में आपने कार्य किया, 11,000 रुपए की जो राशि है
वो प्रणामी पंचायत की तरफ से आपको दी जाएगी। बोलिए श्री प्राण। एक मिनट का समय मैं और लूंगा। श्री रमेश जी तनेजा, मेरी आवाज सुन रहे हो तो अंदर बता रहे आप के पिता श्री श्री गोकर्ण जी तनेजा, सब उनसे परिचित हैं। इस मंदिर को जमीन दिलाने में बनाने में आपका कितना सहयोग रहा है, आपसे छुपा नहीं है। आप उन्हीं के साथ रहे हैं, बड़ा ही हर्ष का विषय। आज आपका जन्मदिन है, आज हमारे ट्रस्ट में भी आप हैं। मैं आपका बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पुजारी जी आप इनको आशीर्वाद दीजिए, तिलक कीजिए। अब अंशु बहन जी अपना भाव। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, सतगुरु महाराज की। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। आज हम तीन दिन से, तीसरा दिन हो गया आज श्री हरिदास जी महाराज जी का 245वां स्मृति महोत्सव मना रहे हैं सुंदर साहब जी। अभी नेक्स्ट मंथ प्राणनाथ जी मंदिर में सरकाश्री का भी मनाएंगे, फिर जनवरी में बेबी जी के मंदिर में बेबी जी का भी मनाएंगे। तो एक प्रश्न है सब सुंदर साहब जी से कि परम धाम में सब मोमिनों की, जिनको हम आज दिन तक याद करते हैं, बाबा जी का भी फिर हर मंदिर में हम मनाएंगे, तो उनकी परातम मूल मिलावे में कहां पे विराज होंगे, बताइए सुंदर साहब जी। सब मिलके विचार कर रहे हैं, कोई प्रवचन चर्चा नहीं करनी आती है। कहां बैठी है उनकी परातम सबकी, परम धाम मूल मिलावे में कहां बैठी है, उनके लिए सिंहासन लगे हुए हैं राज्य के चरणों में। हमारी परातम सुंदर साहब जी कहां बैठी है, राज्य के चरणों में। तो फिर ऐसा उन्होंने अपने जीवन काल में क्या किया कि हम आज दिन तक उनको याद करते हैं, और हम ऐसा क्या नहीं कर रहे और हमें क्या करना चाहिए, इसी विषय पे थोड़ा सा विचार करते हैं। कि सुंदर साहब जी, जैसे हम बच्चों को स्कूल डालते हैं तो पहले प्ले ग्रुप आता है, देन प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉलेज, फिर वो कमाने लायक तैयार होकर खड़ा होता है। तो इसी तरह हम भी अखंड धन को कमाना चाहते हैं। अगर हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारी भी 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज, जैसे ही हम प्रणामी परिवार में जन्म लेते हैं तो हमें क्या सिखाया जाता है कि वी आर प्रणामी, हम प्रणामी हैं, हमें प्रणामी मंदिर जाना है, चरणाम प्रसाद लेना है, राज्य के दर्शन करने हैं, पुरियों में दर्शन करने जाना है। ये हमारे संस्कारों में फर्स्ट स्टेज में ही आ जाता है। सेकेंड स्टेज आती है हमारी कि हम जब मंदिर जाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हम सब सुंदर साथ हैं, हमारा एक सुंदर साथ का भी परिवार है, हमें उनके संग भी प्रेम प्यार से सेवा भाव से रहना है। तो सेकेंड स्टेज तक हम सबको पता चल जाता है कि हम सब सुंदर साथ हैं। फिर हमें तारतम जब दिलाया जाता है सदगुरु महाराज के चरणों से, जब हम जोड़ते हैं और वो हमें वाणी से जोड़ते हैं, वाणी का मंथन करना सिखाते हैं जब सदगुरु महाराज, तब हमें क्या पता चलता है वाणी से कि हम सब कौन हैं, हम ब्रह्म सृष्टियां हैं। इस ब्रह्मांड में 3 प्रकार की सृष्टि आई हुई है, दिखने में सबकी सूरत एक सी है, सब मानव तन में आई है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि एंड ब्रह्म सृष्टि। जीव सृष्टि जो विष्णु भगवान के, जीव तो सब में ही विष्णु भगवान का है, पर जो इन्हीं 14 लोक में ही अटकी पड़ी है, उसके पार की उनको कोई बात नहीं पता। ईश्वरी सृष्टि जो अक्षर ब्रह्म की सृष्टियां कहलाती है, और तीसरी ब्रह्म सृष्टि जो अक्षरातीत की ब्रह्म अंगनाएं। तो वो जब इस ब्रह्मांड में आएंगी तो वो क्या करेंगी, कैसे अपना जीवन यापन करेंगी। तो ब्रह्म सृष्टियों के लिए ये बात आती है कि वो एक पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत के बिना कहीं भी
किसी का भी आसरा अपने जीवन में नहीं लेंगे, वो इन सब कर्म कांडों से मुक्त रहेंगे। निज नाम सोई जाहिर हुआ जाकी सब दुनी रहा देखत, मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत्य। ब्रह्म आत्माएं आई हैं, वो सारे ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति देने आई हैं। तो सुंदर सा जी ये विचार करें, क्या हम कर्म कांड से मुक्त हो गए? अभी हम सब ने दिवाली मनाई है, सब सुंदर सुंदर राज्य के लिए वस्त्र भी बनाते हैं, हार भी खरीदते हैं, मंदिर को लाइट से फूलों से डेकोरेट भी करते हैं, पर लास्ट में जब दिवाली के टाइम पे पूजन करने बैठते हैं तो कितने फैमिलीज ऐसी होंगी जिनमें लक्ष्मी और नारायण की फोटो जरूर नीचे लगाई जाती है। क्या हम मुक्त हो गए इससे? क्या हमने वाणी मंथन करा सुंदर सा जी, लक्ष्मी जी का दृष्टांत कभी पढ़ा है कि जो लक्ष्मी सात कल्पांत जिन्होंने तपस्या करी और ये नहीं जान पाई कि विष्णु भगवान किनका ध्यान करते हैं, वो राज्य की तो बात ही दूर की है। अभी तो अव्यक्त वाले तक का ही उनको नहीं, योग माया तक की बात का नहीं पता चल रहा, और हम उनको छोड़ पाए सुंदर सा जी? लेकिन जो ब्रह्मपुणी है, जिनको आज दिन तक जिनके हम स्मृति महोत्सव मनाते हैं, उन्होंने आके न छूटे सुहागे जो पड़े अनेक विघ्न, अनेकों कठिनाइयां आ जाए पर एक धनी के आश्रय को वो कभी नहीं छोड़ते। प्यारी पीयू के कारण में जीव को न करे जतन, जितनी भी मर्जी जीव पे कठिनाइयां आ जाए, उनके तन पे कठिनाइयां आ जाए, पर ब्रह्मपुणी जो होते हैं वो कभी भी धनी का आसरा नहीं छोड़ते हैं। उससे भी ऊपर होकर उन्होंने तो जीवन जिया सुंदर साथ जी, चौथी स्टेज, फर्स्ट पिया प्रणामीस पिया सुंदर साथ, थर्ड हम ब्रह्म सृष्टिया हैं, और उससे भी ऊपर हम कुछ हैं सुंदर साथ जी, हम धनी की सुहागे नार हैं। तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, रोज पढ़ते हैं सुबह 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 उठते ही रोज ये चुपाई बोलते हैं, लेकिन ये बताएं सुंदर साथ जी कि क्या हमें राज्य के अलावा और कोई बात याद नहीं रहती? क्या ये फैक्ट है जो हम चुपाई पढ़ रहे हैं? तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानू बात, मुझे तो लगता है हमारे जीव ऐसे कि राज्य के अलावा हमें सब कुछ याद है। आप आओ ना आओ मेरे याद में, मेरी माया मुझे पूरी याद रहती है। तो सुंदर साथ जी यही फर्क है उन ब्रह्म मुनियों में और हम में। तो अगर हम भी उन सुखों को लेना चाहते हैं तो प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। क्या मांगा उन्होंने धनी से? उनका प्रेम मांगा, उनका इश्क मांगा, उनका दर्द मांगा, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को सुन छोड़ो क्यों कर जाए। उन्होंने अपने प्राण से भी प्यारा क्या मेरा का दर्द उसको अपने जीवन में अपनाया कि धनी आपका जब तक दीदार प्रणाम जी सुंदर साहब जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।